हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उसके मैंने पूरे नोट्स भी बनाए हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं इसके बारे में काफ़ी लंबे टाइम से रिसर्च कर रही थी। ऑलमोस्ट 40-45 डेज से मैं हर दिन एक कोई ना कोई रिसर्च पेपर इसके बारे में या कोई ना कोई वीडियोज़ देख कर कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोग इसको बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो आज का जो टॉपिक है वो है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन का टॉपिक इसलिए मैंने लिया क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल स्किन ग्लोइंग एंड फास्ट रिजल्ट्स इन सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। सबको गोरे होना है, सबको चार शेड, छः शेड, आठ शेड लाइटर होना है। इसके लिए लोग जो है किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी अमाउंट पे करने के लिए तैयार हैं। सो, मैं आप लोगों को उसी के बारे में आज बताने वाली हूँ कि ग्लूटाथियोन क्या है, ग्लूटाथियोन से किस तरीके से गोरे होते हैं, ग्लूटाथियोन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किस तरीके का प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें। सो ग्लूटाथियोन, सबसे पहली बात, ग्लूटाथियोन्स जो होते हैं वो एक तरीके का एमिनो एसिड है। ये आप हम सबकी इंटेस्टाइन में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। हम लोगों का बॉडी सिस्टम इस तरीके का है कि ये जनरेट होता है और ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ये जो है प्लांट्स में भी, बहुत सारे प्लांट्स में भी ये अवेलेबल होता है। सो इस तरीके ये जो ग्लूटाथियोन हम लोगों को दिया जाता है वो प्लांट्स से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्चुअली जो स्किन वाइटनिंग के लिए ग्लूटाथियोन दिया जाता है। सो सबसे बड़ी बात, ग्लूटाथियोन जो था वो एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन था। एक्चुअली ग्लूटाथियोन पहले किसी दूसरी बीमारियों के लिए, स्किन रिलेटेड इशूज़ के लिए और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए दिया जाता था। तो ये एक रिसर्च में पता चला कि ग्लूटाथियोन देने, जिन लोगों को ग्लूटाथियोन दिया गया उन लोगों की स्किन फेयरर हो गई, उनके स्किन पे से जो भी डार्क पैचेस, ब्लेमिशेस, ये सब कुछ गायब होने लगा। तो पता चला कि ग्लूटाथियोन जो है वो एक फेयरनेस एजेंट की तरह से भी यूज़ हो सकता है। सो इस तरीके से एक्चुअली ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये इम्यूनिटी भी इंक्रीज करता है। सो अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को ग्लूटाथियोन जिनको भी यूज़ करना है वो क्यों करना है। ये स्किन फेयरनेस के लिए बेसिकली यूज़ होता है और इसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि टैबलेट फॉर्म में ये मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मार्केट में ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स अवेलेबल हैं। इंजेक्शंस की फॉर्म में मिलता है, जिसको हम इंट्रावीनस फॉर्म भी बोलते हैं, सीधा आपकी वेंस में डाला जाता है। देन क्रीम एंड सोप्स एंड स्प्रेज की फॉर्म में भी आता है। क्रीम या सोप आपको लगाना होता है और ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी स्किन का कलर आता कैसे है। तो हम लोग की जो स्किन का कलर होता है वो मेलानिन नाम के पिगमेंट से आता है, जो कि हम लोग की स्किन के कलर को डिसाइड करता है। बट नॉट ओनली मेलानिन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग के स्किन कलर को डिसाइड करता है, जैसे कि द फूड वी ईट, द क्लाइमेट वी आर लिविंग इन, हम जैसे सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, हमारे सन एक्सपोजर कितना है, हमारा क्लाइमेट, सन एक्सपोजर एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि हम किस तरीके के एरिया में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एशियंस की स्किन का कलर जो होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन स्किन और अमेरिकन स्किन और अफ्रीकन स्किन। हर किसी की स्किन का कलर अलग होता है, वो सब उस एरिया के पर्टिकुलर क्लाइमेट, हम लोगों के जीन्स और हम लोगों के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है टोटली। सो अब आप लोग बोलेंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं जो कि बहुत गोरे हो रहे हैं एंड उन वो लोग ग्लूटाथियोन लेते हैं या कुछ भी ऐसा, बट सेलिब्रिटीज़ का लाइफस्टाइल भी हम लोगों के लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा कंसिडर करनी पड़ती हैं ग्लूटाथियोन लेने पे, कि आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस तरीके से आप उसको मेंटेन करते हैं। सो अब अगर हम लोग बात करें कि ग्लूटाथियोन हेल्प कैसे करता है हम लोगों की, करते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों का सन एक्सपोजर बढ़ता है हमारी स्किन में मेलानिन इंक्रीज़ होता है। जब मेलानिन इंक्रीज़ होता है तो आपकी स्किन का कलर डार्क होने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड टैनिंग। इसलिए हम लोग उसको टैनिंग या स्किन डार्कनिंग ऐसे करके हम लोग उसको बोलते हैं, काले हो गए हैं एंड ये सब। सो दो टाइप के मेलानिन्स होते हैं, वन इज़ यू मेलानिन एंड सेकंड इज़ फ्यू मेलानिन। सो जो यू मेलानिन होता है वो टैनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब वो इंक्रीज़ होता है टैनिंग इंक्रीज़ होती है। देन और जो फ्यू मेलानिन होता है वो रेड और फेयरर स्किन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूरोपियंस की स्किन में सन बर्न्स होते हैं, लाइक उनकी स्किन रेडिश में कन्वर्ट हो जाती है। उन लोगों की स्किन वैसे भी हमसे बहुत डिफरेंट होती है, तो उन लोगों को टैनिंग से ज़्यादा सनबर्न की प्रॉब्लम होती है हमेशा। सो अब ग्लूटाथियोन जो है,
अब जैसे कि हम जो लोग ग्लूटाथियोन लेते हैं, तो ग्लूटाथियोन जो होता है वो एक ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि वो एंटी ऑक्सीडेंट होता है, नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट है, उसको मास्टर एंटी ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है। तो जब हम लोग ग्लूटाथियोन लेते हैं तो मेलानिन प्रोड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और यू मेलानिन जो है वो फ्यू मेलानिन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्लूटाथियोन। सो ग्लूटाथियोन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं साथ में। अब जो ग्लूटाथियोन होता है अगर वो आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ग्लूटाथियोन हम लोग ले रहे हैं बट कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है इस तरीके से। तो ग्लूटाथियोन जो है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बॉडी में वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो ही जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिनकी बॉडी एसिडिक है, जो एसिडिक लोग हैं उनकी बॉडी में आप मेडिसिन फॉर्म में भी अगर ले रहे हैं तो वो यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्लूटाथियोन जो होता है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स से बना होता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो ही जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो बर्न हो जाए और उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी एसिडिक है या आपको म्यूकस की प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो इट्स वेरी गुड कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से इस चीज़ के बारे में कंसल्ट करके ही इसको लें, अदरवाइज इट विल वेस्ट योर मनी, क्योंकि ग्लूटाथियोन महंगा आता है। एंड स्पेशली जो लोग इंजेक्शन या कुछ इस तरीके की चीज़ें ले रहे होते हैं उनके लिए तो वो और भी महंगा पड़ता है, 30,000 से भी ऊपर का आई थिंक प्रोसेस जाता है इसमें मंथली अगर आप लोग उसको लेते हैं तो। हाँ, तो इट्स गुड अगर आप लोग किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ही इसको लें एंड इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लें। मैंने बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस देखा है कि उन लोगों को ग्लूटाथियोन से कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, उल्टा उनकी स्किन और ज़्यादा डार्क पैची एंड टैन हो गई है पहले से, उल्टा उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सारे लोगों को हुए हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं और अपना इतना पैसा स्पेंड करते हैं तो आप लोग उनसे रिटर्न में लें या कोई गारंटी लें कि हाँ आपको उससे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि आउट ऑफ 10 5 to 6 पीपल ही होते हैं जिनको उसका प्रॉपर रिजल्ट मिल पाता है, अपनी मनी जो वो स्पेंड कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिल पाता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे रह जाते हैं जिनका पैसा सिर्फ वेस्ट हो जाता है, एंड किसी के भी पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि वो सिर्फ वेस्ट करके किसी बड़े डॉक्टर को दे, किसी बड़ी कंपनी को दे रहा है अपना पैसा। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग इस तरीके से उन लोगों से सब कुछ पहले अच्छे से रिटर्न में लें हर चीज़ को, क्योंकि अगर इसकी मेंटेनेंस और नेसेसरी कॉस्टिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा आती है बाद में भी, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। बहुत ही ईजीली जैसे ही आप लोग इनका ट्रीटमेंट या इसकी मेडिसिन लेना बंद करते हैं, ये वापस से आपकी नेचुरल स्किन कलर जो पहले था टैन और डार्क और डल, वहीं पर ही वापस आपको ला के खड़ा कर देता है। एंड लॉन्ग टर्म यूजेज में मैंने इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था कि लाइफ थ्रेटनिंग इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। कोई रिलायबल सोर्स नहीं है इसका जिसमें ये मेंशन हो कि हाँ इट इज़ 100% यूजफुल एंड इट इज़ 100% बेनिफिशियल फॉर यू। सो ये सारी चीज़ें सोच कर ही आप लोग लें। एंड गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, एंड अगर आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस जानना है कि मैंने किस तरीके से ग्लूटाथियोन को किस फॉर्म में यूज़ किया है एंड उसका क्या इफेक्ट आया है, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, उसके ऊपर मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।